महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल का दौर जारी है। ताजा मामला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से NCP सुप्रीमो शरद पवार को दिया गया नोटिस है। नोटिस मिलने के बाद शरद पवार ने कहा था कि ये नोटिस चुनाव आयोग के कहने पर भेजा गया है, लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिए जाने पर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने ऐसा करने के निर्देश नहीं दिए थे। आयोग ने कहा कि नोटिस आयकर विभाग ने भेजा है। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि आयकर विभाग ने उन्हें चुनाव आयोग को उनके द्वारा जमा किए गए चुनावी हलफनामों के सिलसिले में नोटिस भेजा है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ये बताया गया है कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर संसद सदस्य शरद पवार को आयकर नोटिस जारी किया गया, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने पवार को नोटिस जारी करने के लिए CBDT को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया। मंगलवार को पवार ने मुंबई में मीडिया से कहा कि आयकर विभाग ने उनके द्वारा किए गए चुनावी हलफनामों के सिलसिले में स्पष्टीकरण एवं सफाई मांगी है। उन्होंने कहा कि कल मुझे नोटिस मिला, हम खुश हैं कि केंद्र सभी सदस्यों में से हमें प्यार करता है। आयकर विभाग ने तब नोटिस जारी किया जब उससे चुनाव आयोग ने ऐसा करने को कहा, हम नोटिस का जवाब देंगे। असल में पवार इस खबर के बारे में किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि आयकर विभाग ने उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को भी ऐसा ही नोटिस भेजा है। कृषि बिलों को लेकर राज्यसभा के 8 निलंबित सदस्यों का समर्थन करते हुए पवार ने कहा कि केंद्र सरकार विरोधियों को टैक्स नोटिस के जरिए डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल शिवसेना और उनकी सहयोगी पार्टी NCP के इन नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने चुनाव के समय चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया उसमें कई जानकारी गलत भरी गई हैं और कई अधूरी जानकारियां दी गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन नेताओं ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। इन दस्तावेजों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग ने इसकी जांच CBDT के पास भेजी है। चुनाव आयोग अब CBDT की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में अगर इन नेताओं पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125A के तहत CBDT इस मामले में केस दर्ज कर सकती है और इस सेक्शन के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।